दोस्तों, अगर आप अपने प्रिंटर में ओरिजिनल इंक यूज नहीं करना चाहते क्योंकि वो महंगी है, पर सब्स्टिट्यूट एक ऐसी इंक आप ढूंढ रहे हैं जो ओरिजिनल इंक से काफी सस्ती हो पर क्वालिटी हमें लगभग वैसी ही दे, यानी कि हम ज्यादा पैसा कमाएं और सस्ती प्रिंटिंग कर सकें। अब इसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए आज ये वीडियो में लेके आया हूं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट या जो कुछ भी प्रिंट करते हैं उसमें आपको इंक यूज कौन सी करनी है, और दूसरा अगर आप सब्स्टिट्यूट इंक यूज करना चाहते हैं तो वो कौन सी इंक है जो आप ले सकते हैं बहुत कम पैसे में और ज्यादा सस्ती प्रिंटिंग कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, मोस्टली इंक्स तीन टाइप की होती हैं, डाइंग, पिगमेंट इंक और सब्लिमेशन इंक। इनके बारे में डिटेल से मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी इंक आप यूज कर रहे हैं वो कौन सी है और क्या वो सही इंक है जिस काम के लिए आप यूज कर रहे हैं उस काम के लिए। तो मोस्टली जो दो इंक यूज की जाती है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, से नॉर्मल इंक टैंक प्रिंटर्स में, वो या तो डाई इंक होती है या तो पिगमेंट इंक होती है। वैसे तो मैंने उस वीडियो में बताया, लेकिन मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ। डाई इंक जो होती है वो कलर के सोल्यूबल से बनती है, यानी कि पानी के साथ घुले रहते हैं जो कलर कंपोनेंट होते हैं, और ये बहुत सस्ती आती है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती आती है। लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, एकदम वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये इंक अगर आपने बहुत सस्ती या बहुत लो क्वालिटी की ले ली तो फिर आप जो प्रिंट कर रहे हैं वो टाइम के साथ साथ डल हो जाएगा। दूसरी इंक होती है पिगमेंट इंक, जो होती तो बिल्कुल ऐसी है पर उसमें जो सोल्यूबल होता है वो पिगमेंट्स होते हैं, वो वाटर पर घुले तो रहते हैं, अल्कोहल पर घुले तो रहते हैं, पर समय के साथ साथ वो डल नहीं होते, चिपक के पेपर पर या जिस भी मटेरियल पर आप प्रिंट कर रहे हैं उस पर बने रहते हैं। तो जो मैगजीन्स होती हैं, फोटोज होती हैं हाई क्वालिटी की, वो सारी इससे प्रिंट की जाती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर आपको रेगुलर नॉर्मल यूज करना है अपने कैफे में, ऑफिस में, या नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल फोटोज, तो आपको पिगमेंट इंक यानी कि महंगे इंक की कोई जरूरत नहीं है, आपको डाई इंक ही यूज करनी है। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास पैसा है आप खर्च कर सकते हैं तो ओरिजिनल इंक ही यूज करें। और यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ओरिजिनल इंक्स होती हैं, चाहे वो एचपी की हो, चाहे वो कैनन की हो, चाहे वो ब्रदर या एप्सन की हो, ये भी जरूरी नहीं है कि ये पिगमेंट हो, ये भी डाई इंक्स होती हैं। मेरे पास ये बॉटल है जो ओरिजिनल कैनन की है, ब्लैक है, और ये भी एक डाई इंक है। फिर इनमें और नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूट इंक है इनमें फर्क ये होता है कि ये थोड़ा ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है इसीलिए महंगी है, और दूसरी जो मेरे पास ये बॉटल है ये ओरिजिनल तो नहीं है पर कंपनी की इंक है, प्रिंटर वाली कंपनी नहीं, इंक वाली कंपनी की इंक है, पर ये भी अच्छी है, इसके जैसी नहीं होगी पर हाँ सस्ती है और अच्छा काम चलेगा। मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूँ, कौन सी है बताता हूँ। इंक बाय करने से पहले आपको ये कंफर्म करना जरूरी है कि वो इंक आपके प्रिंटर के लिए कंपेटेबल है या नहीं। जब भी आप इंक बाय करें तो जरूर चेक कर लें कि आपका जो भी प्रिंटर का मॉडल है या जो भी कंपनी का प्रिंटर यूज कर रहे हैं उसके लिए वो इंक बनी है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो तीन इंक्स बताने वाला हूं जो रिव्यूज के मामले में सबसे बढ़िया है, और इनमें से कुछ इंक्स तो मैंने खुद पर्सनली यूज भी की हैं। तो आप भी जब भी कोई इंक यूज करें या बाय करें तो उसके रिव्यूज जरूर चेक करें, खासकर नेगेटिव रिव्यूज। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है उस पर्टिकुलर कस्टमर को जिसने वो इंक यूज की है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, सब कुछ कंपनी और जो मैन्युफैक्चरर है उसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, कुछ चीजें हमें भी करनी होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा हेड काफी पुराना हो गया है, चलते चलते वो अब बस खत्म ही होने वाला है, हमने कोई इंक बाय कर ली, क्योंकि वो हेड पुराना था इस वजह से वो खराब हो गया, तो हम सारा दोष इंक पर डाल देते हैं। तो हमारी अपनी भी कुछ कमियां होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए बेस्ट इंक चूज करनी है। तो जो मैं पहली इंक आपको बताने वाला हूं जो आप अपने प्रिंटर के लिए ले सकते हैं वो है ये निडिल की तरफ से आने वाली इंक। ये
लगभग सभी तरह के प्रिंटर्स और मॉडल्स के लिए अवेलेबल है। फिलहाल ये मैंने मंगाई है अपने कैनन के जी 1010 मॉडल के लिए। तो कैनन, एप्सन और बाकी की जो कंपनीज हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल है। पर मंगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इंक आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आपके प्रिंटर की कंपनी और मॉडल के लिए कंपेटेबल है या नहीं। अब देखिए, इस इंक में साफ साफ यहाँ मैंशन किया गया है कि 15+ डेज प्रिंटर स्टैंड बाई टाइम। बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं कि प्रिंटर की जो इंक है वो कितने दिनों में सूख जाती है अगर हम यूज ना करें। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रिंटर को किस कंडीशन में, किस एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं और आप उसमें कौन सी इंक यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने एक साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप ये इंक यूज करते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रिंटर को रखते हैं तो 15 से ज्यादा दिनों तक आप अगर उसको यूज नहीं करते तो आपकी इंक ड्राई नहीं होगी। तो इस कंपनी ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अब ये ओरिजिनल कैनन की तो है नहीं, हिडल की तरफ से आती है, पर मैं फिलहाल अभी मेरे प्रिंटर पर यही है और मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग हर कंपनी की जो इंक है उस पर कहीं ना कहीं आपको ये मेंशन जरूर मिल जाएगा कि वो इंक क्या है, डाई इंक है या पिगमेंट इंक है। तो ये फिलहाल डाई इंक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि मेड फ्रॉम साल्ट फ्री डाइज, यानी कि ये डाई इंक है, डाइज से बनी हुई है और ये पिगमेंट इंक नहीं है, पर इसका रिजल्ट काफी अच्छा है तो मैं ये आपको रिकमेंड कर सकता हूं। और अगर प्राइस की बात करें तो ये कोई बहुत खास महंगी भी नहीं आती। ये इंक आपको मैंने मंगाया था CMYK, यानी कि चारों जो बॉटल्स हैं उनका कॉम्बो, और ये मुझे 540 के आसपास मिल गया था। सिंगल बॉटल अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा महंगी पड़ने वाली है। और मेरे जो प्रिंटर के टैंक्स हैं उसको मैं 2 से 3 बार इससे फिल कर चुका हूँ, कलर्स वाले खत्म भी हो गए, ब्लैक का मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं है इसलिए ये काफ़ी बच गई है। दूसरी इंक में जो आपको बताने वाला हूं ये आती है स्प्लैश जेट की तरफ से। और इस इंक की जो खासियत है वो ये कि ये ज्यादातर प्रिंटर्स की कंपनीज और मॉडल के लिए अवेलेबल है। और रिव्यूज की अगर बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स ने इसको अच्छे रिव्यूज दिए हैं, अच्छे स्टार्स दिए हैं, मतलब वो संतुष्ट हैं। ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही इन कंपनियों ने मुझे कोई पैसे दिए हैं, पर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि बहुत सारे मॉडल्स में आप अपने लिए, मतलब कि जो आपके काम की इंक्स हैं वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी एक काफी रेप्यूटेड कंपनी है और आप इसकी इंक भी यूज कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करूं तो ये भी आपको 500 से 700 के बीच में 4 बॉटल्स का जो कॉम्बो है वो आपको मिल जाने वाला है। और जो तीसरी इंक है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रिंटर के लिए, वो है ये प्रोफेसी की तरफ से। इन्होंने भी साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो भी इंक आप ये बॉटल्स ऑर्डर कर रहे हैं ये किस कंपनी के प्रिंटर और किस मॉडल के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जब इस तरह की चीजें कंपनी मेंशन कर देती है तो हमारे मन से डाउट बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस कंपनी के, यानी कि इस इंक के रिव्यूज भी काफी पॉजिटिव हैं। और अगर आप यहां पर देखें तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी है कि इंक भी आपको सेम प्राइस रेंज में मिल जाएंगी, 4 बॉटल का कॉम्बो। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल आपको गाइड करने के लिए था। अपने विवेक से, ध्यान से इंक्स को ऑर्डर करिए और प्रिंटर पर डालने से पहले यह जरूर निश्चित कर लीजिए कि आप सही इंक यूज कर रहे हैं या नहीं। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो ओरिजिनल इंक का ही यूज करिए। और अगर आप ये इंक्स यूज करते हैं तो ये भी अच्छी होती हैं, पर आप अपने रिस्क पर ही यूज करिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रीजन कोई भी हो सकता है, आप सारा ब्लेम कंपनी पर नहीं डाल सकते। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अगर अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।